नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में पढ़ेंगे हर्षवर्धन। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश वर्धन वंश, इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इनका संबंध वैश्य जाति का था और सामंत गुप्तों का था। स्वयं को हूणों के आक्रमण के बाद स्वतंत्र कर दिया था। अन्य शासक नरवर्धन, राज्यवर्धन, प्रथम आदित्यवर्धन थे। मौर्यवंशी शासक अवंती वर्मन का सामंत कन्नौज पर शासन किया था। प्रभाकर वर्मन के 3 संतान थे, पहले राज्यवर्धन, द्वितीय हर्षवर्धन, राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने पुत्री राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्धन के साथ की थी, जो मौर्यवंशी शासक थे। देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की थी। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की थी। शशांक ने ही बोधि वृक्ष कटवाया था। हर्षवर्धन 606 से 647 वर्ष ने शासनकाल था। जन्म 590 BC में हुआ था। पत्नी दुर्गावती थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की थी। मंत्री जो दोस्त थे उन्हें दिवाकर मंत्री की सहायता अपनी बहन राज्यश्री की खोज की थी। हर्षवर्धन साहित्य का सम्राट भी ने कहा जाता है। 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ा, उसमें पुलकेशिन द्वितीय जीते थे और हर्षवर्धन हारे थे। हर्षवर्धन की उपाधियाँ हैं परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परम भागवत। हुएनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा? शीलादित्य कहा था हुएनसांग ने। हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई थी। बहन राज्यश्री के कहने पर थानेश्वर से कन्नौज की राजधानी बनाई। हर्षवर्धन के अधीन 5 राज्य थे उत्तर भारत के। पहला पंजाब, दूसरा कन्नौज, तीसरा गोड, चौथा मिथिला, पांचवा उड़ीसा। इन पर शासन था इनका। हर्षवर्धन ने पुत्री का विवाह वल्लवी जो गुजरात में शासक ध्रुवसेन द्वितीय से कराया था। कश्मीर पर आक्रमण किया था। बुद्ध का दंत कश्मीर से लाकर कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। हर्षवर्धन ने 2 महासभा का आयोजन करवाया था। पहला प्रयागराज में, यहीं से कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। दूसरा कन्नौज। कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में एक बार लगता है। कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। महाकुंभ 24 वर्ष में एक बार लगता है। ये हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में लगते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 BC में हुई थी। दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित या फिर कादंबरी लिखी थी। 3 नाटक संस्कृत में लिखे थे। पहला प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, इसका श्रेय धावक नामक कवि को दिया था। तीसरा नागानंद, शिव एवं सूर्य की पूजा की थी, करता था हर्षवर्धन। हुएनसांग की संगत में आने पर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। हुएनसांग 630 BC से लेकर 645 BC तक रहे थे। शासनकाल था इन्होंने, दरबार में आए थे 15 वर्ष। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ग्रंथ लिखा था, यात्रा का वर्णन किया था। CUK ने वर्तमान का शाक्य मुनि कहा गया है इनको। यात्रियों का राजकुमार कहा गया है हुएनसांग को।